आ जाइए हमारे पास में मारुति सुजुकी की अर्टिका, और ये डीजल कार है। तो ये गाड़ी जो है रास्ते में चलते चलते अचानक से बंद पड़ गई थी, तो किसी मैकेनिक को लाके इसे दिखाया गया था। तो देख सकते हैं आप, इसका जो है ऊपर का टॉप कवर वगैरह भी खुला पड़ा है, एयर वगैरह भी शायद निकाली है गाड़ी की, और देख सकते हैं इधर से डीज़ल फिल्टर भी खुला है और इसका एयर फिल्टर असेंबली भी निकाल ली गई है। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो है इसका डीज़ल फिल्टर भी दिखा देता हूँ। भगा के रहा। तो ये रहा हमारा डीज़ल फिल्टर। तो इसकी जो है 3 महीने पहले तकरीबन फ्यूल फिल्टर कंप्लीट बॉडी चेंज की गई है और टैंक में का फ्यूल पंप भी। तो जब कस्टमर ने वो मैकेनिक को बताया है तो उन्होंने कहा है कि जो इसका हाई प्रेशर पंप होता है वही ख़राब हो चुका है, प्रेशर नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम करते हैं गाड़ी को सबसे पहले स्कैन। तो देख सकते हैं इसके अंदर आ रहा है P0089 फॉल कोड है, जो सक्शन कंट्रोल वॉल स्टक का आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आता है हमारा जो टैंक में पंप होता है उससे भी आता है, डीजल फिल्टर जब चोक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, और जो हाई प्रेशर पंप है वो जब ख़राब हो जाएगा तो भी यह प्रॉब्लम आएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं इसकी टैंक मोटर जो घूम रही है या नहीं। तो टैंक की जो मोटर है वो आवाज़ तो कर रही है, इसका मतलब घूम तो रही है, लेकिन स्पीड इसकी जो है काफ़ी कम लग रही है। तो अब हम चेक करते हैं इसका प्रेशर। तो देख सकते हैं ये इसका जो है मेन लाइन है, तो हम इसे जब दबा रहे हैं तो ये जो है ये ऊपर उठना चाहिए, जब इसमें प्रेशर बनेगा तभी ये जो है इस तरीके से जो है लिफ्ट करेंगे ऊपर। तो भी समझना है आपको, जब इसमें प्रेशर है, अगर इस तरीके से दब के अगर रह रहा है तो इसमें प्रेशर नहीं है और हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये जो हाई प्रेशर पंप होता है इसके अंदर एक वाल्व होता है, जो प्रेशर से जब इसके अंदर डीजल इंजेक्ट होता है तभी जो है ये प्रेशर बना पाता है पंप। तो इसका पंप का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी फ्यूल टैंक के अंदर जो मोटर्स होती है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, तभी जो है ये प्रॉब्लम इस तरीके से आता है। तो हम जो है इसका देख सकते हैं यहाँ पर है F7R करके इसका रिले फ्यूल पंप का, तो इसे जो है हम डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट करने के बाद पूरी तरीके से जो टैंक के अंदर डीजल है वो हम निकाल लेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे किस तरीके से इसके अंदर प्रेशर आ रहा है। तो डायरेक्ट हो चुका है हमारा इस साइड से, और देख सकते हैं आप एकदम नज़दीक होने के बाद में भी जो इसकी जो मोटर का प्रेशर है वो एकदम लो आ रहा है, देख सकते हैं काफ़ी लो है, हल्का सा दबा भी रहे हैं तो भी इतना खास प्रेशर नहीं है, नहीं तो इस साइड से निकल सकता है। तो निकालते इसका सारा डीजल और उसके बाद जो है इसकी निकालते फ्यूल टैंक बाहर। तो अब जो हमारा मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड हो गई, जिस वजह से बाकी की जो हमने शूट की है जैसे टैंक वगैरह हमने चेंज की है इसके अंदर मोटर वगैरह, तो वो बता नहीं पाया आपको। तो देख सकते हैं इसका हमने जो है फिर से टैंक खोली है, क्योंकि इसके अंदर हमने मोटर चेंज की है, मोटर चेंज करने के बाद में भी जो है ये प्रेशर नहीं बना पा रही है जितना चाहिए उतना, और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। देख सकते हैं हमने टैंक वगैरह क्लीन वगैरह सब कुछ किया था। तो अब निकालते इसके वापस से फ्यूल मोटर, और फ्यूल मोटर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देख सकते हैं इसके सब कुछ हम नट बोल्ट्स निकाल के जो है इसका फ्यूल पंप बाहर ले लेंगे, और टैंक भी हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी इसकी वाली, तो ये वापस से हमको खोलना पड़ा। तो एक इसके अंदर जो है फ्यूल मोटर के अंदर भी दो क्वालिटी के दो टाइप्स के मोटर आती है, तो इसके अंदर जो है
एक मोटर में ही जो हमें मिली है उसमें डिफ़ॉल्ट आया पीस, जिस वजह से गाड़ी का जो है प्रेशर पंप बना नहीं पा रहा है। तो देख सकते हैं हमने फ्यूल पंप निकाल लिया है बाहर, और देख सकते हैं इस जगह पे हमने क्लैम भी मारी है और इसकी जो मोटर है वो भी चेंज की है। तो इसकी जो मोटर है सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर मोटर में हो क्या रहा है। और ये मोटर जो है हमें काफ़ी मुश्किल से मिली थी, क्योंकि इस टाइप की मोटर जो है मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो देख सकते हैं हमने मोटर जो है बाहर निकाल ली है, और देख सकते हैं आप ये रही इसकी मेन लाइन और ये रही इसकी लो लाइन। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मेन लाइन लो लाइन है उसके अंदर जो डायरेक्ट एक होल दिख रहा है, जिस जगह से जो हमारा फ्यूल प्रेशर है लीक कर रहा था। तो ये जो मोटर तो हमें वैसे अर्टिगा के नाम से मिली है, लेकिन इस तरीके से जो लाइन आती नहीं है। और ये रही हमारे फ्यूल पंप में जब सबसे पहली मोटर है जो निकली है, तो आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जो ये लो लाइन है इसके अंदर होल जो इसका सील है एकदम पैक किया गया है, जिस वजह से जो इसका प्रेशर है वो लीक नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है हम अलग टाइप की जो इसमें मोटर डालने वाले हैं, तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्विफ्ट की मोटर। और देख सकते हैं हमने स्विफ्ट की मोटर जो इसके अंदर चेंज कर दी है और शोल्डर वगैरह भी कर दी अच्छे तरीके से, और इसके सामने से जो है इसमें फ़िल्टर भी चेंज कर दिया है हमने, न्यू टाइप का फ़िल्टर लगा दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे जो हमारा अच्छे तरीके से मोटर में कोई कचरा वचरा नहीं जाएगा। और हमारा जो फ्यूल पंप है वो पूरा तरीके से असेंबल हो चुका है। तो अब करते हैं हम इसको फिट टैंक के अंदर और चेक करते हैं इसका प्रेशर। कोई भी डीजल गाड़ी हो उसके अंदर जो है फ्यूल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाड़ी स्टार्ट होने के लिए, या उसका पंप जो है हाई प्रेशर पंप एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम चाबी ऑन करते हैं, और देखिए किस तरीके से इसकी जो फ्यूल लाइन है एकदम अपर साइड गई है, और हम हाथ से दबा भी रहे हैं तो प्रेशर के ज़रिए जो है ऊपर फेंक रहा है। तो इस तरीके से इसमें प्रेशर होना चाहिए तभी जो हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो पाएंगी। तो मारते हैं अभी सेल्फ मार सर। तो एक ही सेल्फ में जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्ट होने के बाद में भी देख सकते हैं हम अगर नली को दबा रहे हैं तो ये ऊपर फेंक रही है। तो इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर प्रेशर होना चाहिए तभी जाके जो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सिर्फ जो वीडियो हमने बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर प्रेशर होना चाहिए, और अगर ना हो तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती।